अली गोनी की वजह से बदनाम हुई बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट, बयां किया अपने दिल का दर्द। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बिग बॉस फेम और बीजेपी सोनाली फोगाट किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती है, कभी अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से तो कभी अली गोनी की वजह से। हम आपको बता दें दोस्तों, अली गोनी के चलते लोग उनका अक्सर मजाक उड़ाते रहते हैं। हाल ही में सोनाली ने इसे लेकर अपना दर्द बयां किया है और बताया है कि लोग अब भी उन्हें अली गोनी के नाम पर ट्रोल करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सोनाली ने कहा, मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का या लड़की किसी के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है तो हमें मजाक उड़ाने की जगह हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन जब मैंने अली गोनी के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर की तो लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू किया। लोगों ने मेरा मजाक बनाया, मुझे कमेंट पास किया और मेरी सोच पर सवाल उठाए। ये सब देखकर मैं हैरान थी कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अली के लिए मेरी फीलिंग एकदम सच्ची थी। मैंने शो के लिए कुछ भी झूठ नहीं बोला, वो सब फेक नहीं था। मैं लोगों को अपनी रियल साइड दिखाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग जाने कि पॉलिटिशियन भी इंसान होते हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स होते हैं, उनका परिवार होता है। लेकिन कुछ लोगों के ये समझ में नहीं आया। बिग बॉस को खत्म हुए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी मुझे लोग अली गोनी के नाम से चिढ़ाते हैं। जब भी मैं इंस्टाग्राम पर कोई फोटो या वीडियो शेयर करती हूं तो लोग कमेंट्स बॉक्स में अली का नाम लिखते हैं। हालांकि इसके अलावा वो कुछ लिखते नहीं, बस उनका नाम लिखते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें दोस्तों, सोनाली फोगाट जो कि बिग बॉस की वजह से सुर्खियों में आई थी और जमकर रुबिना के साथ उनका बिग बॉस के घर में झगड़ा भी हुआ था, जो कि काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि बिग बॉस में सोनाली का सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन जितने भी दिन रहा सोनाली को फैंस ने पसंद किया। फिलहाल सोनाली फोगाट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।